जेट एयरवेज के बंद होने के बाद अब सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की हालत भी खस्ता हाल हो गई है। कंपनी का कहना है कि उसके पास कर्मचारियों को अक्टूबर के बाद वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एयर इंडिया को 7000 करोड़ की रकम पर सॉवरेन गारंटी दी थी और कंपनी के पास 2500 करोड़ रुपए बचे हैं, जिसका इस्तेमाल वो जल्द ही कर लेगी। खबरों के मुताबिक तेल कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और अन्य वेंडर्स का बकाया चुकाने और कुछ महीनों की सैलरी देने में ये पैसा खर्च हो जाएगा। एयर इंडिया हर महीने कर्मचारियों के वेतन पर 300 करोड़ रुपए खर्च करती है और वो महीनों से इसका भुगतान देरी से कर रही है। एयर इंडिया अकेली सरकारी कंपनी नहीं है जिसे कर्मचारियों को सैलरी देने में परेशानी हो रही है। बीएसएनएल भी वेतन देने की स्थिति में नहीं है। कंपनी ने किसी तरह से जून महीने के वेतन का इंतजाम किया है। सरकार बीएसएनएल के मामले में रिवाइवल प्लान पर काम कर रही है। बात अगर एयर इंडिया की करें तो सरकार को एयरलाइन कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति की जानकारी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बजट में कंपनी के लिए कोई मांग नहीं रखी है जो 5 जुलाई को पेश किया जाना है। लोकसभा चुनाव से पहले आए अंतरिम बजट में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड को पिछले वित्त वर्ष में 3900 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस वित्त वर्ष में उसे 29000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस कंपनी को एयर इंडिया का 58000 करोड़ का कर्ज ट्रांसफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।